गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज क्लास ट्वेल्थ के बच्चों के लिए मैं यूट्यूब पे वीडियो लेके आया हूँ। और हम लोग पिछले वीडियो में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ रहे थे, जिसका हम लोग एक्सरसाइज 2.2 देख रहे थे। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने 6 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर दिया था। आज के वीडियो में हम लोग 7 नंबर और 8 नंबर क्वेश्चंस को समझेंगे, पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग फटाफट कॉपी निकाल लीजिए, और जो बच्चे हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं वह चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि मेरा कोई भी वीडियो आए तो आप तक नोटिफिकेशन चला जाए। थैंक यू सो मच। तो फटाफट कॉपी निकालिए, क्लास को ज्यादा लेट नहीं करते हुए 2 क्वेश्चन को पढ़ाते हैं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, हम लोग उसको समझेंगे कि 7 नंबर क्वेश्चन है क्या। बाबू रे, एक्सरसाइज 2.2 में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 पढ़ रहे हैं, जिसका 7 नंबर क्वेश्चन को मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। आप देख सकते हैं कि 7 नंबर क्वेश्चन क्या है। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि टेन इनवर्स, क्या कहता है, टेन इनवर्स ब्रैकेट शुरू है रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स बटे रूट अंडर 1 प्लस कॉस एक्स, यही है ब्रैकेट, यही क्वेश्चन है। और इसको सिद्ध करने के लिए हम लोगों को बोला जा रहा है। बाबू रे, एक फॉर्मूला होता है, थोड़ी सी फॉर्मूला को हमें देखने की बेहद आवश्यकता है, बेहद ही जरूरी है, ताकि जो है आप तक यह फॉर्मूला पहुंच सके, आप तक जो है यह बातें हो सके। तो फटाफट पहले आप लोग यह क्वेश्चन को लिखिएगा। बाबू रे, एक बात तो मुझे बताओ, टेन इनवर्स का टेन इनवर्स हम लिख दिए, और बाबू रूट है ऊपर में, ओके, नीचे में भी रूट है, ओके, ब्रैकेट बंद, सर इसमें क्या भराएगा। तो बाबू रे देखो, ऊपर में जो रूट है ना, 1 माइनस कॉस एक्स, तो बाबू इसका होता है फॉर्मूला, और इसका फॉर्मूला होता है 2 sin² x/2, और नीचे में फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस एक्स, इसका फॉर्मूला होता है 2 cos² x/2 यह फॉर्मूला होता है। मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ फॉर्मूला को पुट किया। अगले स्टेप में देखिए मैं क्या करूंगा, टेन इनवर्स का टेन इनवर्स, बाबू रे एक बात बताओ, रूट और स्क्वायर खत्म हो गया, रूट और स्क्वायर खत्म हो गया, ऊपर भी खत्म और नीचे भी खत्म, तो बचा क्या क्या, ऊपर बचा 2 sin² x/2, नीचे में बचा 2 cos² x/2। क्या हुआ सर, रूट खत्म हो गया, स्क्वायर भी खत्म हो गया। पहले इतना समझिए, इतना समझने के बाद अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, टेन इनवर्स, बाबू रे ये 2 और ये 2 भी खत्म हो गया, ये 2 और ये 2 भी खत्म हो गया, तो बाबू रे बचा क्या, साइन और कॉस, साइन बटा कॉस किसका फॉर्मूला होता है सर, तो साइन बटा कॉस होता है टेन का फॉर्मूला, किसका, तो टेन का, और बगल में एक्स बाय टू है, तो हम लोग लिखेंगे x/2, क्या लिखेंगे, x/2। इसको समझिए, इसको बारीकी से समझिए, और एक स्टेप और है, बस ये खत्म हो गया। टेन इनवर्स,
का फॉर्मूला क्या होता है, x यानी x के जगह x बाय टू है, तो मेरा आंसर हो गया x बाय टू, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया, समझ में आया, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। लेकिन इसमें कुछ फॉर्मूला निकल के आया है, जो फॉर्मूला को आपको समझना बेहद जरूरी है, और यहां से कुछ फॉर्मूला बन रहा है। फॉर्मूला एक नंबर क्या बन रहा है, वन माइनस कॉस एक्स बराबर होता है टू साइन स्क्वायर एक्स बाय टू। दूसरा फॉर्मूला बन रहा है वन प्लस कॉस एक्स, ये फॉर्मूला बन रहा है टू कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू। तीसरा फॉर्मूला बन रहा है, तीसरा फॉर्मूला टेन थीटा का, या टेन एक्स कह दो, साइन एक्स बाय कॉस एक्स। ये तीन फॉर्मूला बना है, जो कि ये तीनों फॉर्मूला जो है इसमें यूज है, इसका क्या है यूज है इस चैप्टर में, इस क्वेश्चन में। तो बाबू इस क्वेश्चन को आप बारीकी से समझिए, अगर कोई परेशानी है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। तो सेवन नंबर क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व हो रहा है। उसके बाद हम लोगों का एट नंबर क्वेश्चन है, जिसको हम लोग समझेंगे। इसमें एक और फॉर्मूला का यूज है, मैं लिख देता हूं, एक और फॉर्मूला क्या है, टेन ए माइनस बी टेन ए माइनस बी। तो फॉर्मूला होता है टेन ए माइनस बी, टेन ए माइनस टेन बी बटे वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी। ये फॉर्मूला का आठ नंबर क्वेश्चन में यूज है, यह फॉर्मूला का आठ नंबर क्वेश्चन में यूज है। तो मुझे लगता है सेवन नंबर आपको समझ में आ गया होगा, तो मैं आप सेवन नंबर को मिटा देता हूं। सेवन नंबर आपको समझ में आ गया होगा। तो सेवन नंबर के बाद हमारा क्वेश्चन चलता है एट नंबर। मैंने आपसे वादा किया था कि आज मैं एट नंबर क्वेश्चन तक आप लोगों को पढ़ाऊंगा, और एट नंबर क्वेश्चन जो है और भी इजी क्वेश्चन है। और यह क्वेश्चन कहता है क्या कि टेन इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। यह क्वेश्चन है एक नंबर क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 का, इसको हम लोग कैसे हल करेंगे। तो बाबू रे इस क्वेश्चन को हल करने के लिए क्या करना होगा, इसमें अंश ऊपर वाले को क्या कहते हैं अंश, और नीचे वाले को हर, लिखेंगे अंश एवं हर में, क्या लिखेंगे अंश एवं हर, अंश एवं हर दोनों में कॉस एक्स से भाग देने पर, कॉस एक्स से भाग अंश एवं हर दोनों में कॉस एक्स से क्या करेंगे भाग देंगे। तो बाबू आइए अगला स्टेप हमारा क्या होगा, जब हम लोग भाग देंगे तो मेरा अगला स्टेप हो जाएगा टेन इनवर्स, या जो कॉस है इसमें भी भाग दे दिए तो हो गया कॉस एक्स बटा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटा कॉस एक्स। हल्ला नहीं करना है, हल्ला नहीं करो, नीचे में हो जाएगा कॉस एक्स बटे कॉस एक्स प्लस
साइन एक्स बटा कॉस एक्स, इसमें भी हो जाएगा। कॉस एक्स बाबू पहले इतना समझो, एक नंबर क्वेश्चन में क्या किए हम लोगों ने, क्वेश्चन को लिखा, उसके बाद अंश एवं हर दोनों में कॉस एक्स से भाग दिए, और जब भाग दिए तो इसमें भी कॉस एक्स, इसमें भी कॉस एक्स, इसमें भी कॉस एक्स। आइए अगले स्टेप में देखते हैं क्या हो रहा है। अगला स्टेप में क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स। बाबू रे कॉस में कॉस से भाग देंगे तो क्या बचेगा, वन माइनस आई साइन एक्स बटा कॉस एक्स क्या होगा, टेन एक्स। फॉर्मूला साइन एक्स बटा कॉस एक्स टेन एक्स, तो यहां लिखेंगे टेन एक्स बटे कॉस एक्स बटा कॉस एक्स, खत्म हो गया तो बचा वन प्लस आई कॉस एक्स साइन बटा कॉस एक्स को लिख सकते हैं टेन एक्स। चलिए मैंने यहां तक लाया, मैंने कहां तक लाया, यहां तक लाया, पहले आप लोग इतना समझिए, उसके बाद अब यहां की बारी आ जाएगी। तीन नंबर तक फॉर्मूला का यूज नहीं है, चार नंबर यूज है मैं, जो कि इसमें इंक्लूड करूंगा। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब मैं थोड़ा सा यहां पे बनाता हूं। अब ये देखिए ये टेन इनवर्स है ना, इसको टेन इनवर्स रहने दी। ये जो वन है, ये वन को हम लोग 45 मान सकते हैं, वन को हम लोग कह सकते हैं टेन 45 कह सकते हैं, क्योंकि वन का मतलब क्या होता है, टेन में 45, तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं टेन 45, टेन 45 डिग्री माइनस, और टेन एक्स बगल में है तो माइनस टेन एक्स, अब बटे यहां भी वन है, यहां भी वन है, ये वन को रहने दो, ये वन को रहने दो, आइए यहां रहने दी प्लस, अब बगल में क्या है टेन एक्स, तो टेन एक्स को भी रहने दिए। अच्छा एक बात बताइए, सही सही एक तो बात बताना, अगर ये टेन एक्स को वन से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, टेन एक्स अब मल्टीप्लाई वन तो क्या होगा टेन एक्स, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, तो हम ये वन को ना लिख के यहां पे टेन 45 लिख देते हैं, टेन 45, तो बाबू रे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा क्यों किए सर, क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए, ट्रिग्नोमेट्री में कुछ कुछ सेटिंग करना पड़ता है, तो बाबू रे आइए टेन इनवर्स का टेन इनवर्स, अब ये जो टेन 45 जो है, टेन 45 जो है इसको मान लो टेन ए, देखो ये टेन ए माने फॉर्मूला देखो यहां पे टेन ए माइनस टेन बी, यहां हो गया वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी, यही फॉर्मूला पे मेरा पुट कर रहा है, तो क्या हो गया टेन ए माइनस बी, आप सेट करो ना टेन 45 को टेन ए मानो और टेन एक्स को टेन बी मानो, माइनस है वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी, तो क्या हो गया टेन ए माइनस टेन बी, यानी फॉर्मूला हो जाएगा टेन ए माइनस बी, यानी ए का वैल्यू कितना था 45 डिग्री और बी का वैल्यू कितना था एक्स, इसी पे हम लोग पुट किए, क्या किए फॉर्मूला पे हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ पुट किया, कुछ नहीं किए हैं सर, हाँ बिल्कुल बाबू कुछ नहीं किए हैं, क्या किए हैं फॉर्मूला पे सिर्फ पुट किए हैं। बाबू रे आइए अगले स्टेप में, टेन इनवर्स टेन एक्स फॉर्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स टेन एक्स का शुरू शुरू से बताते आ रहे हैं, 45 माइनस एक्स यानी 45 डिग्री माइनस एक्स, यही होगा। अब 45 डिग्री को हम रेडियन में चेंज कर दें, क्या चीज में, रेडियन में अगर चेंज करेंगे तो इसका वैल्यू होता है पाई माइनस पाई बाय 4 माइनस एक्स, मेरा आंसर यही हो गया, मेरा आंसर क्या हो गया, यही हो गया। तो आज के वीडियो में मैंने 7 नंबर 8 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व किया। राम, मैं चाहूंगा कि क्लासरूम में राम रो आए,
आज के वीडियो में हम लोगों ने यहीं पे क्लास को खत्म किया। एक मिनट, क्लास को खत्म किया। कल के वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। वीडियो को रोकना है, काटिएगा नहीं, आपसे ओके अथी हो जाएगा। वीडियो रोकिए।